नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल से अपने राजदूत और बाकी राजनयिकों को वापस बुला लिया। इजराइल और गाजा के बीच महायुद्ध को अब एक महीना पूरा हो गया और गाजा से अपडेट यह है कि इजराइल की सेना अब इतनी अंदर घुस गई कि उसने गाजा पट्टी को दो हिस्सों में काट डाला। सवाल यह है कि अब हमास आगे करेगा तो क्या कुछ करेगा। इजराइल और हमास का युद्ध, जंग का एक महीना पूरा हुआ और इस एक महीने में इतना खून खराबा हुआ कि दोनों तरफ मिलाकर 12,000 लाशें गिर चुकी हैं। अब इजराइल का ऐसा हमला कि गाजा को काट दिया हाफ और हमास का किस्सा 100% साफ। यही इजराइल का मकसद है, यही इजराइल का इरादा है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन बता रहा है कि अब उसने गाजा को दो हिस्सों में बांट दिया है। या कहें कि गाजा को दो हिस्सों में काट दिया है। एक तरफ उत्तरी गाजा, जिसको चारों तरफ से इजराइल की सेना ने घेर लिया है, अंदर बहुत खतरनाक युद्ध जारी है, तो दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा। इजराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए, लेकिन उत्तरी गाजा में इजराइल की जमीनी कार्रवाई उस जगह से बहुत दूर नहीं जहां गाजा के सबसे बड़े अस्पताल भी हैं। लेकिन इस वक्त इजराइल से पूरी दुनिया मांग कर रही है कि गाजा पर बमबारी को रोका जाए, यानी सीज फायर हो। एक महीने के युद्ध को लेकर इजराइल कहां पास हुआ है, कहां फेल हुआ है? 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के दो मकसद थे। पहला, हमास के पास से करीब 250 बंधकों को आजाद कराना, जिसमें इजराइल अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। दूसरा, इजराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी तक इसमें भी इजराइल फेल ही साबित हुआ है। अमेरिका भले ही खुलकर इजराइल के हमलों का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी सीज फायर चाहता है। ऐसे में अब तक इजराइल को सिवाय हमास के कुछ कमांडरों के मारे जाने, बंकर तबाह करने से और ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक घूम रहे हैं, जरा सी हरकत पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है। इजराइल ने गाजा को कैसे दो हिस्सों में काट कर रख दिया है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से इस युद्ध की अगली लड़ाई और आने वाला खतरा पता चलेगा। इजराइल ने ठान ली है कि गाजा का नामो निशान मिटा देगा। गाजा के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो उत्तरी इलाका, ये गाजा है, और यहां पर आप इजराइल देखेंगे, उधर मेडिटेरियन सी है। गाजा के उत्तरी इलाके में पूरी तरीके से सेना को तैनात कर दिया गया है। वहीं दक्षिणी इलाके में भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी सेना की तैनाती की गई है। इस वक्त इजराइल में सेना मौजूद है, उसने उत्तर शोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर तक दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये उत्तर शोर आप देखेंगे और यहां पर दक्षिण शोर भी देखिए, और अगर आप देखें तो उत्तर का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से दक्षिण के इलाके से कट गया है। और शायद इसी को लेकर जो इजराइल के सेना के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अब गाजा एक देश नहीं रहा बल्कि दो दो देशों में बढ़ चुका है। वहीं
वहीं इसराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला है, ये जगह जो आप देख रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तरी छोर दक्षिणी छोर से पूरी तरीके से कट चुका है और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर यानी कि यहां तक पहुंच गई है। न सिर्फ इतना, यानी कि अब एक बात समझिए कि जो उत्तरी गाजा है और दक्षिणी गाजा है वो पूरी तरीके से इनका कनेक्शन टूट चुका है, आपस में पूरी तरीके से कट चुके हैं। बीच में इसराइल की फोर्स यहां पर मौजूद है और यहां पर गाजा में तमाम लोग भी फंसे हुए हैं। ये जो इलाका आप बीच का देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। उत्तरी गाजा पूरी तरीके से इसराइली फोर्सेस से जो नीला इलाका आप देख रहे हैं घिरा हुआ है, यहां भी इसराइल की सेना है और यहां पर भी अगर आप देखें तो इसराइली सेना है, यानी कि चारों तरफ से इसराइल की फौजों ने गाजा को घेरा हुआ है। यहीं पर गाजा के तीन बड़े अस्पताल हैं, अल शिफा अस्पताल। इस अस्पताल के बारे में आप जानते हैं कि यहां पर हमास के तमाम बंकर्स के होने का दावा किया जा रहा है और इन तमाम बंकर्स में कई आतंकवादी ऐसे हैं जो छिपे हो सकते हैं। उनकी सेना को मदद में लाए जाने वाले जो तमाम हथियार हैं वो भी यहां हो सकते हैं। और इसके अलावा अल कुद अस्पताल यहां पर है, वहीं अगर एक और इंडोनेशियाई अस्पताल की बात करें तो वो भी यहां पर है, जिनका इस्तेमाल हमास के तमाम आतंकवादी ढाल के तौर पर भी करते हैं। ये वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है और अब इसराइल की सेना यहां बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन इसराइल का दावा है कि इन अस्पतालों में हमास के अड्डे हैं, इसलिए वो आसपास हमास के अड्डों को टारगेट कर रहा है। Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening. This is part of an operation, a ground operation that was conducted on the hospital, then revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures in the Qatari hospital. If it wasn't enough, this tunnel, if it wasn't enough that we exposed the tunnel under the hospital, the terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital. In ही अस्पतालों के बीच इजरायल बमबारी तेज हो गई है। इजरायल अब इन अस्पतालों के आसपास लगातार बमबारी कर रहा है। ऐसे ही कई हमलों के बाद हमास ने भी जवाबी कार्रवाई की और उत्तरी इसराइल में कई शहर उसके टारगेट बने। रात हो या दिन, 2400 घंटे लगातार गाजा पे हमले जा रहे हैं आईडीएफ के, और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त गाजा बॉर्डर पे मौजूद है इसराइल की तरफ और वहां से आपको एक बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखा रही है। इस समय देख सकते हैं आप उत्तर गाजा में शायद जबालिया या बेट हनून है, उसी का इलाका है, उसी के आसपास का, वहां एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया गया है। धमाके लगातार हो रहे हैं लेकिन ये बड़ा हमला हुआ और एक ही नहीं, उसके बगल से एक दूसरा गुब्बार भी उठता हुआ हमें दिख रहा है। हमास के रॉकेट को रोकने का दबाव बहुत ज्यादा है और अब हिजबुल्ला की तरफ से भी जो प्रेशर आया है उसे इसराइल का आयरन डोम भी नहीं झेल पा रहा। इस वीडियो को देखिए जिसमें आयरन डोम से निकली मिसाइल फेल हो गई और लौटकर वापस इसराइल में ही आ गिरी। इस वीडियो से पता चलता है कि अब आयरन डोम बहुत ज्यादा दबाव में है। आयरन डोम 2400 घंटे काम कर रहा है लेकिन ये भी एक मशीन है और मशीन भी थक जाती है। रॉकेट हमलों के बीच इसराइल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों के नीचे हमास के अड्डे बने हुए हैं जहां हथियारों से लेकर फ्यूल सब कुछ छुपा कर रखा जाता है, लेकिन इसराइल अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया है। हमास इज हाइडिंग बिहाइंड हॉस्पिटल्स, हमास इज सिकली एक्सप्लॉइटिंग हॉस्पिटल्स टू डिस्गाइज इट्स वॉर मशीन। आवर वॉर इज विद हमास, not with the civilians of Gaza. We will not accept Hamas' cynical use of hospital to hide their terror infrastructure. I want to repeat. तुर्की के लोगों ने एर्दोगन से बहुत ही खतरनाक मांग कर डाली।
तुर्की में मौजूद फिलिस्तीन के समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि अर्दोगन अपनी तुर्क फौज गाजा में भेजें। गाजा के हालात से अर्दोगन पहले ही बहुत दुखी है और अगर इसी तरह राजनीतिक दबाव उन पर बढ़ता रहा तो गाजा वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट कभी भी बन सकता है। तुर्की की जनता सड़कों पर उतर आई है। तुर्की के लोग इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अगर विरोध प्रदर्शन सिर्फ यहीं तक होता तो बाइडेन और नेतन्याहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन तुर्की के नाराज लोग जो फिलिस्तीन के लिए नारे लगा रहे थे, तुर्की के दक्षिण में मौजूद अदाना एयरबेस पर पहुंच गए, जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है और दावा किया जाता है कि यहां पर 50 की संख्या में एटम बम रखे हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन अदाना की सड़कों पर भी हो सकता था, लेकिन क्या जानबूझकर परमाणु बम वाले ठिकानों पर भीड़ का हमला करवाया जा रहा है? क्या रूस और ईरान मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, या फिर इन परमाणु अड्डों पर कब्जा करके अमेरिका या फिर इजराइल के लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? यहां बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है, साथ ही प्रदर्शनकारियों के नेता ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी भी दी है। Değerli kardeşlerim, biz burada Gazze'deki kadın ve çocuklar için masada elimiz güçlensin diye geldik. Gazze'deki kadın ve çocuklar için ara bir anlaşma yapılacak ve çocuklarla kadın çıkarılacaktı. Şimdi bunu yapanlar Gazze'deki kadın ve çocukların ölümüne sebep olacaklar. Hiç farkında değiller. खास बात यह है कि तुर्की के सिर्फ अदाना ही नहीं बल्कि और भी कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तुर्की दौरे पर हैं और वो किसी तरह इजराइल और तुर्की के बीच बिगड़ते रिश्तों को संभालने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन तुर्की के अंदर जहां से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दौरा होना था, वहां पर हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की तस्वीरें लगाई गई थी ताकि अमेरिका को ये बताया जा सके कि आखिर तुर्की के लोग क्या चाहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के कुछ अखबारों में तो यहां तक छपा है कि तुर्की के लोग ये मांग कर रहे हैं कि तुर्क सेना को गाजा के लोगों की रक्षा के लिए रवाना किया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन एक मंझे हुए राजनेता है, पब्लिक के नब्ज को समझते हैं, इसलिए उन्होंने तुर्की के इस्तांबुल में एक बहुत बड़ी रैली की थी और नेतन्याहू को आतंकवादी कहा। Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi Gazze içinde bugün olduğu gibi kıyamdayız. इस मौके पर बेहद चालाकी से अमेरिका ने ओयो क्लास की अपनी परमाणु पनडुब्बी भूमध्य सागर में उतार दी है। अमेरिका की नौसेना ने बताया है कि उसकी ओयो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गई है। कमांड ने सोमवार को स्वेज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी प्रकाशित की है। आमतौर पर पनडुब्बियों की तैनाती को गुप्त रखा जाता है क्योंकि जब तक वो दुश्मन की नजर में ना आएंगी तब तक ज्यादा प्रभावी रहेंगी, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि उसकी पनडुब्बी भूमध्य सागर में तैनात है ताकि इजराइल के दुश्मनों में खौफ का माहौल पैदा हो। हालांकि अमेरिका की नौसेना ने ओयो क्लास के इस परमाणु पनडुब्बी की पूरी पहचान का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस तरह की पनडुब्बियों में टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें होती हैं। इन पनडुब्बियों में ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलें भी होती हैं, जो अमेरिका की परमाणु मिसाइल है और एक साथ कई वॉर हेड ले जा सकती है। अमेरिका की ताकत को तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन भी जानते हैं और समझते हैं,
और तुर्की नेटो का सदस्य भी है, लेकिन गाजा में जो हो रहा है उससे तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन काफी ज्यादा दुखी है। इसराइल tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. लेकिन इसराइल ने हमास को खत्म करने का फैसला कर लिया है और वो युद्ध विराम को तैयार नहीं है। अमेरिका भी इसराइल का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ जॉर्डन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, ये सभी मुल्क जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री के साथ एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है, लेकिन मतभेदों को रोक पाना अब आसान नहीं रह गया है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन गाजा में इसराइल की कार्रवाई को नरसंहार की संज्ञा दे रहे हैं। Ülkenin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da adalet nerede? Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. दूसरी तरफ एंटनी ब्लिंकन ने इराक का भी दौरा किया है। इराक का दौरा अप्रत्याशित है क्योंकि इसकी पहले कोई योजना ही नहीं थी, लेकिन माना जा रहा है कि इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी से मिलने का फैसला ब्लिंकन ने इसलिए किया क्योंकि इराक और सीरिया के एयरबेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इराक और सीरिया में मौजूद ईरान के फंड से चलने वाले संगठनों ने 17 अक्टूबर से अब तक अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर करीब 35 हमले किए हैं। माना यह जा रहा है कि एंटी ब्लिंकन ने इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी के जरिए ईरान को संदेश भेजा है, क्योंकि ब्लिंकन से मुलाकात के फौरन बाद अल सुदानी ईरान गए हैं और उन्होंने वहां अमेरिका की तरफ से ईरान को ये बताया है कि अगर सीरिया और इराक में अमेरिका पर हमले नहीं रुके तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ईरान का रुख नरम होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान के रक्षा मंत्री अशीत यानी ने कहा है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ इसराइल ने ये रणनीति बनाई है कि वो 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाएगा ताकि उसके खिलाफ दुनिया में बन रहा माहौल कामयाब ना हो पाए। तुर्की के राष्ट्रपति इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने अपना राजदूत भी इसराइल से बुला लिया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपना राजदूत वापस बुलाते हुए ये कहा कि अब नेतन्याहू इस लायक नहीं कि उनसे बात की जाए। तुर्की के राष्ट्रपति के इन बयानों से समझा जा सकता है कि तुर्की के अंदर इस वक्त गाजा पर किस तरह की उथल पुथल मची हुई है। Ülkenin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da adalet nerede? Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. कुल मिलाकर अगर गाजा में ऐसे ही इजराइल बम बरसाता रहा तो पूरा वेस्ट एशिया अस्थिर हो सकता है। गाजा में चल रही बमबारी के बीच व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। रूस ने अपनी न्यूक्लियर पावर से लैस बुलावा मिसाइल का परीक्षण कर नई खलबली बहुत तेजी के साथ मचा दी। कहा जा रहा है कि पुतिन की इस बुलावा मिसाइल के टारगेट पर एक नहीं बल्कि 3 देश हैं। यही बात जेलेंस्की और जो बाइडेन के बाद नेतन्याहू को बेहद परेशान कर रही है। Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. 3, 2, 1, 4.
पुतिन के न्यूक्लियर बुलावा का बवंडर पानी वाली मिसाइल से पुतिन करेंगे विनाश। पुतिन का मोस्ट डेंजरस हथियार फायर। एक बुलावा तीन शिखर। पुतिन ने अपने हथियार भंडार से अब वो निकाला है जिससे तबाही की कहानी इतिहास ने ना कभी देखी ना कभी सुनी है। रूस ने अपने हथियारों के जखीरे में एक और महाविनाशक हथियार शामिल किया है। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी से परमाणु शक्ति संपन्न बुलावा मिसाइल दागकर रूस ने सफल परीक्षण किया है। ये बुलावा मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। रूस की परमाणु चालित पनडुब्बी इंपीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागना टेस्ट का अंतिम चरण है जिसके बाद इसे नौसेना में शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा। रूस की ओर से जारी बयान के मुताबिक मिसाइल रूस के उत्तरी तट के पास सफेद सागर में पानी के नीचे लॉन्च की गई। अंतर महाद्वीपीय मिसाइल ने रूस के सुदूर पूर्व में मौजूद कामचटका प्रायद्वीप पर एक टारगेट पर हमला किया। इस दौरान मिसाइल ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और टारगेट को हिट किया। वॉशिंगटन DC से लेकर कीव तक, तेल अवीव से लेकर मिस्र तक खौफ का नया माहौल पैदा हो गया है। बुलावा मिसाइल की बात करें तो ये 12 मीटर लंबी है जिसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 6 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। रूसी नौसेना की ये एक बड़ी ताकत है। छह न्यूक्लियर बम यानी 6 शहरों की तबाही, और जाहिर है ये शहर सिर्फ यूक्रेन के नहीं होंगे, इसके जद में अमेरिका के शहर भी हैं। रूस ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करके पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया है। ये मिसाइल रूस का सबसे खर्चीला हथियार कार्यक्रम बताया गया है। बुलावा मिसाइल की ताकत रूस को इस क्षेत्र में अभेद बनाती है। बुलावा मिसाइल जिस नई पनडुब्बी से लॉन्च की गई उसकी डिटेल समझनी भी बहुत जरूरी है। इंपीरेटर अलेक्जेंडर 3 नई बोरेई श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी में से एक है जो 16 बुलावा मिसाइलें ले जा सकती है। नौसेना के पास बोरेई क्लास की 3 परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। एक का परीक्षण पूरा हो गया है, 3 अभी निर्माणाधीन है। रूस ने बुलावा की फायरिंग का वक्त नहीं बताया, लेकिन जब आप इस बुलावा मिसाइल की खासियत जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वक्त किन देशों का खराब हो सकता है बुलावा फायर होगी तो, क्योंकि कहा जा रहा है एक बुलावा का 3 शिकार है। पहला अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरा यूक्रेन। इन तीनों देशों से रूस की दुश्मनी जग जाहिर है, क्योंकि 3 में से 2 देश तो अमेरिका की सुरक्षा में सांस भरते हैं। तो बात सबसे पहले यूक्रेन की, क्योंकि पुतिन के लिए ये युद्ध नासूर बन गया है, ना खत्म हो रहा है ना पुतिन को निर्णायक जीत मिल रही है। बुलावा का टारगेट नंबर 1 यूक्रेन। कभी रूस तो कभी यूक्रेन जंग फंस गई है। रूस इस युद्ध का जल्दी से जल्दी फैसला चाहता है, लिहाजा जिसकी आशंका दुनिया के कई एक्सपर्ट जता चुके हैं कि इन हालात में पुतिन परमाणु बम गिराने की सोच सकते हैं। बुलावा जैसी मिसाइलें इस दौरान सबसे कारगर साबित होंगी। पुतिन इसे ब्लैक सी से कीव पर दाग सकते हैं। इसे रोकने में यूक्रेन में तैनात अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो सकता है। बुलावा लॉन्च की टाइमिंग बता रही है कि पुतिन को चिंता इस वक्त सिर्फ अपने युद्ध की नहीं इसराइल युद्ध की भी है, क्योंकि इसराइल में भी रूस अपना स्टेक मानता है, जमीनी नहीं कूटनीतिक। बुलावा का टारगेट नंबर 2 इसराइल।
रूस इजराइल के बीच क्या चल रहा है उदाहरण देखिए, जिससे ये तय हो जाएगा कि पुतिन बुलावा का मुंह इजराइल की ओर करते हैं तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। रूस इजराइल के कट्टर दुश्मन हिजबुल्ला को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। ये सिस्टम हिजबुल्ला हमास को सप्लाई करता है। तो इजराइल को गाजा के विनाश की दूसरी स्क्रिप्ट लिखनी होगी। हिजबुल्ला को रूसी हथियार। पंचियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजरायली बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार कर गिरा सकता है। रूस ने दावा किया था कि SA-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के बराबर है। कई सारी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, लेकिन हम बात करेंगे SA-22 की। SA-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस में ही मौजूद दूसरे कई एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसकी खासियत दरअसल आपको भी जाननी जरूरी है। SA-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को असल में पंतशिर के नाम से जाना जाता है। इसकी और क्या क्या तकनीकी खासियतें हैं वो भी हम आपको यहां पर समझाएंगे, लेकिन पंतशिर के नाम से इसको फिलहाल जाना जाता है। और यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाला एक ऐसा घातक मिसाइल सिस्टम है जिसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर भी किया जाता है। और यह मात्र 4 से 6 सेकंड में ही टारगेट को पहचान कर उसकी तरफ मिसाइल दाग देता है, यानी कि उसको वहीं पर कुछ ही सेकंड में ये उसको पता करके ध्वस्त कर सकता है। इसके कुल मिलाकर 6 वेरिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल रेंज और स्पीड के मुताबिक किया जाता है। इसकी रेंज 15 से लेकर 75 किलोमीटर तक होती है। और इस सिस्टम की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी काम कर सकता है। और यही इसकी तमाम खासियतें हैं जो इसको और ज्यादा बेहतर बनाती हैं। खासतौर पर इसको पंतशिर के नाम से जाना जाता है। उसकी रेंज आपने समझी कितनी ज्यादा खास है, और साथ साथ -50 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है तो भी ये काम कर सकता है। हिजबुल्ला का खाद पानी ईरान से आता है, और रूस को जो कामिकाजे ड्रोन हाथ लगे हैं उनकी सप्लाई ईरान ही करता है। लिहाजा हिजबुल्ला को हथियार देने का मतलब है कि रूस ईरान से गलबहियां कर रहा है, और सीधे तौर पर ना सही परोक्ष रूप में ही रूस हमास को मदद पहुंचा रहा है। इजराइल और रूस की दोस्ती कभी दांत कटी रोटी वाली हो ही नहीं सकती। दरअसल इजराइल का रक्षक है अमेरिका, और जिसके साथ अमेरिका खड़ा है रूस उसके साथ खड़ा हो ही नहीं सकता। हालांकि पुतिन ने अभी इजराइल के मामले में कुछ भी बड़ा या खुलकर नहीं बोला है, लेकिन रूस की तरफ से हिजबुल्ला को हथियार मिलना पुतिन के स्टैंड को बिल्कुल साफ करता है। इजराइल हिजबुल्ला को निपटाए बिना सिर्फ हमास के खात्मे से चैन की सांस नहीं ले सकता, लिहाजा हिजबुल्ला पर इजराइल किसी भी वक्त चढ़ाई कर सकता है। जाहिर है लेबनन में घुसते ही ईरान और रूस इजराइल के सामने होंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि बुलावा का पैदा किया खौफ तब पुतिन के काम आएगा। बुलावा का टारगेट नंबर 3 अमेरिका। बुलावा की रेंज जैसा कि हमने आपको बताया 8000 किलोमीटर बताई जा रही है। अब जरा नक्शे पर रूस और अमेरिका के शहरों के बीच की दूरी देखिए, क्योंकि बुलावा का टारगेट जब भी होगा एक यूक्रेन की ओर होगा तो दूसरा अमेरिका की ओर।